अभी अभी मैंने एक बहुत बड़ी गड़बड़ कर दी है, मैं दिखाता हूँ आपको क्या करा। ए, ब्रो आ चुके हैं। इन्हें बता दे ऑनलाइन एग्जाम हुआ था मैथ्स का, कितने नंबर आए। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आर न्यू व्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग? ऐसा होता बड़ों को नमस्ते, छोटों को हेलो, और जो मेरे बराबर के उन्हें गुड मॉर्निंग। तो 11 बज चुके और मैं सोकर उठ गया हूँ और करने को कुछ भी नहीं है। मतलब मेरे एग्जाम आने वाले हैं तो मैं पढ़ाई करता हूँ, तो कल भी मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया, तो आज कोई व्लॉग अपलोड भी नहीं होगा। तो अब ये वाला है, शायद देखते हैं ये बनेगा, कोशिश करेंगे अच्छा बनाने की। तो अब बस कुछ नहीं, सबसे पहले घर की सफाई करनी है, उसके बाद देखना क्या करना है। तो अपने दिन की शुरुआत करते हैं चौको केक से, जो कल रात दिखाया था आपको। ये रहा उसका फूल, ऊपर का निकाला हुआ फूल निकाले, बाकी केक मेरे सामने रखा हुआ है। अभी मैंने एक बहुत बड़ी गड़बड़ कर दी है, मैं दिखाता हूँ आपको क्या करा। अक्षय भैया का फोन कपड़ों के बीच में रखा हुआ था और मैं कपड़े डाल रहा था वॉशिंग मशीन में, कल आंटी आकर धोती और ये फोन बोल चुका है। अब पता नहीं आएंगे तो कितनी गालियां देंगे, वैसे कुछ कहेंगे नहीं, फोन का क्या दूसरा आ जाएगा यार। तो ये फोन खराब हो गया, चार्जिंग लगा के देखा मैंने, मैं क्या पता आखिरी उम्मीद में कुछ काम आ जाए। बाकी कपड़े भी नहीं धुले क्योंकि वॉशिंग मशीन भी आज मैकेनिक के पास जानी है। तो जो कुल मिला के सुबह की शुरुआत हमारी नुकसान से हुई है, अब देखते हैं आगे का दिन कैसे जाता है। तो हम घर से निकल आए हैं और आज ये कबाड़ा बेचना है। ये भी हमारे इलेक्शन के पोस्टर हैं, ये देखो इधर से दिखेंगे। ये रहे हमारे गौरव भैया, स्कूटी चलाने के लिए एक दोस्त को बुला लिया आपने। तो हमारे साथ बहुत बड़ा प्रैंक हो गया, हम यहाँ कबाड़ा बेचने आए जहाँ हमने लास्ट टाइम बेचा था, और यहाँ कोई है नहीं, हमें वापस ही कबाड़ा घर लेके जाना पड़ेगा यार। बताओ काम में काम बढ़ गया। तो फाइनली आज हमारी गाड़ी संभल जाएगी, मैंने अक्षय भैया को बुला लिया गाड़ी लेके, क्योंकि मैं अकेला तो देता नहीं, इन्हें ज्यादा रेट के बारे में पता है मार्केट वैल्यू। तो ये गाड़ी जितना भी इसमें डेंट पेंट का है सब कुछ कर देंगे ये भैया हमारे, और कबाड़ा बेच दिया। कबाड़ा बेगा कितने का? 420 रुपए का, 420 ही बेचा गया है। तो अब इसमें से मैं सारा सामान निकालना और घर रखना है। ऐसा बोतल इसमें भी पड़ी है देखो, चार बोतल इसमें पड़ी है, दो आगे पड़ी है। आगे ए, ब्रो आ चुके हैं, गाड़ी देने गाड़ी देने गाली देने थोड़ी एक इसमें एक बोतल यहाँ पड़ी है भाई साहब। मुकुल भैया पूरी पूरी गाड़ी बोतल ही बोतलें हैं। ये साड़ी रख लेते हैं, ये साड़ी और ये कपड़ा। डैशबोर्ड खाली करना है, एक मिनट रुक जा बाबू जी, सब खाली करना है। चप्पल पड़ी है इसमें, ओ भैया पड़ा अभी तो क्या क्या है इसमें यार। फेंको या लेके चलोगे? बोतल लेके चलेंगे यार, इतनी इकट्ठी करी है, इन्हें काय को फेंकने, फटाफट वेलपुरी सब भैया, सब कुछ होएगा, बॉडी स्प्रे ये देखो। तो आज मैं दिखाता हूँ एक ब्लॉगर और एक 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 डॉक्टर के डैशबोर्ड में क्या क्या होता है, आप देखिएगा। तो ये एक तो ये फटाफट वेल निकाली थी, एक बॉडी स्प्रे निकाला गया, ये डेनवर परफ्यूम निकाला गया, ये हमारी एक मशीन है उसका वो है लोगो करंट दिया जाता उससे, ये भी उसी का तार है, बाकी का सब ये गाड़ी का कागज वागज, और ये है वो मशीन, ये देखिए मैं दिखाता हूँ आपको, इससे दिया जाता लोगों को करंट। तो हमने अपनी गाड़ी वहां पार्क कर दी है, एक ये स्कूटी और एक ये स्कूटी, दोनों में सामान भर चुका और हम घर चलते हैं। बैठ गया मैं, अब ये उदय करेगा सारा काम, कब तक देगा? कल शाम को दे देगा। और हमने अपना सारा सामान घर पे रख दिया है, और हम अपने घर पहुंच चुके हैं। हमारे घर के हाल कुछ ऐसे, ये भाई साहब हमारे एज यूजुअली लेटे हुए हैं, हमने इन्हें बुलाया था कि बाहर आ जाओ छोले भटूरे खाएंगे, लेकिन इन्होंने हमसे खाना अपना घर ही मंगा लिया, हेलमेट खाने वाला भैया आके बैठ चुके हैं। मैं भी बैठ जाता हूँ, अच्छा भाई साहब बैठेंगे, बैठो भाई साहब, इन बेचारों पे तो बैठने का टाइम भी नहीं है, ये तो होते भी नहीं है, गाड़ी से मलवानी थी इसलिए आ गए। मैं फाइनली नहा चुका हूँ और हमारे घर एक नए भैया आ चुके हैं, ये इनसे मिलवाता हूँ आपको। कितनी बार मिलवाएगा? आज तो मिलवा दूँ, बहुत दिनों से ये बहुत दिनों से नहीं आए, ये आज मिले बहुत दिनों बाद। ये हमारे वकील साहब है, कौन से कोर्ट में? सुप्रीम कोर्ट और करकटुमा कोर्ट में, कई बार बता चुका हूँ मैं यार ये बात। तो और आज हमने इनके इलेक्शन के पोस्टर और भेज पा रहे, बचे हुए
अब मैं पढ़ाई करूंगा, एक घंटा मेरे पास, मैं एक घंटा करूंगा पढ़ाई और ये लोग जाने का नाम नहीं ले रहे यार। तो तकरीबन 3 बज चुके हैं, मतलब 3 बजने बस 1-2 मिनट ही बाकी हैं और मेरी फाइल जो बना रहा था वो भी थोड़ी कंप्लीट हो गई है और बच्चों के आने का टाइम हो गया, तो थोड़ी देर में बच्चे आने वाले होंगे, तब तक मैं जो बनाने वाला रूम है अपना उसको थोड़ा सेट कर लूँ, बिस्तर इस तरह बिखरे पड़े हैं सब उसमें। मैं आपको फिर उस बच्चे से मिलवाता हूँ, आज इसने पूरी ABCD लिख दी, उस दिन सिर्फ F तक लिखी थी। ये देखो ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVYZ। ओए हेलो बोल दे। हेलो तो बोल दे इधर देख के। मिटा क्यों रहा है? हाँ काउंटिंग लिख ले, ठीक है। सुनो इधर, इन्हें बता दे ऑनलाइन एग्जाम हुआ था मैथ का कितने नंबर आए। तो हमारा ट्यूशन खत्म हो चुका है और अभी खत्म नहीं हुआ, 2 घंटे पहले खत्म हो चुका है। मैं तब से अपनी फाइल बना रहा था, एक फाइल कंप्लीट हो गई, दूसरी होने वाली है, मतलब शुरू हुई है अभी। 38 पेजेस किया तो 10 पेज मैंने लिख लिया, 28 और रह गए हैं। और आज के डिनर में दाल बन चुकी, चावल बनाने बाकी है। मैं पिछले आधे घंटे से खड़ा खड़ा वेट कर रहा हूँ और हमारे दोनों भाई लड़ रहे हैं और हमें जाना। अच्छा भैया अगर मैंने बैग में हाथ में पकड़ लिया, पर इन दोनों की लड़ाई खत्म नहीं हो रही यार। आवाज आ रही है। छोड़ो सारी बातें बताने की नहीं है। हम अच्छा भैया घर पहुंच चुके हैं और ये दोनों भाई लेटे हुए ही हैं, मतलब मैं क्या बताऊं, मेरे अलावा मेरे 3 बड़े हैं, इन तीनों का बस काम ही लेटना है। दिखाता हूं मैं आपको, देखो एक ये लेटे हुए हैं, एक वो लेटे हुए, दोनों के दोनों फोन चला रहे हैं, बाकी के दोनों बाहर घूमने चले गए। चलो ना आप भी आओ ना, थोड़ी देर वॉक करेंगे। थक लिया बेटा, अब एक ही चीज हो सकती है, उसका नाम है नींद। तो अपने घर आ गए हैं, रास्ते में मोमोज मिल गया तो इन्हें भी पैक करा लिया और दाल बन चुकी है, बच्चा चावल बनाने बाकी है। भाई साहब किचन में जा चुके, देखो दिख रहे हैं आपको ये खड़े, तो ये चावल बना रहे हैं, मैं मोमोज खा लूं तब तक। तो मैंने इनके ऊपर गरम मसाला और नमक डाला है, इसमें ओरिगैनो डाला है, ये रखा हमारे घर में, ये बोतलें और ये बोतलें अब तक इतनी इकट्ठी हुई हैं, अभी थार आने के लिए बहुत सारी इकट्ठी करनी है। भाई साहब चावल धो रहे हैं और दाल इसमें ये रखी है। तो 12:30 बज चुके हैं और वीडियो थोड़ी एडिट हो चुकी है, बस थोड़ी सी और रह गई है, तो इस ब्लॉग को ही खत्म करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। जल्दी मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।